हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज की रेसिपी। मिक्स वेजिटेबल्स आपने बहुत खाई होंगी जो कि सूखी सूखी सी होती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एकदम खिली खिली और रसे वाली वेजिटेबल बनाना बताने वाली हूँ, जो कि मेरा एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट रहा, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ उबाल ली हैं और आप देख सकते हैं उबला हुआ पानी भी मैंने साथ में लिया है। गोभी, गाजर और मटर उबाले हैं। इसी में मैं कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, और मैं बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ जिससे कि जो शिमला मिर्च का क्रंच है वो रह जाए और थोड़ी सी वो गल भी जाए, क्योंकि हमने सारी सब्जियाँ पकी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। और मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स और इसको कर दिया साइड में, जिससे कि गर्म पानी के साथ में जो शिमला मिर्च है वो भी ठीक से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने करीब डेढ़ आलू लिया है, क्योंकि भाई डेढ़ आलू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आधे आलू का मैंने हुमायसा के लिए बना दिया था पराठा। तो भाई अब इन आलुओं को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का मैंने आलू काटा है। ये देखिए, उबले हुए आलू को हमने इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए, सारे आलू मैं काट लेती हूँ, और ये देखिए यहाँ पर आलू कट चुके हैं। और यहीं पर मेरे पास रखा हुआ था पनीर, जो कि मैंने एक स्लाइस काटा और मैंने उसको बारीक बारीक यहाँ पर इस तरह से चॉप कर लिया। इतना मैंने चॉप किया जैसे कि मैं आलू दिखा रही हूँ, उसी साइज में मैंने यहाँ पर पनीर भी चॉप किया है। साथ में मैंने एक प्याज जो है पतला पतला काट लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है ऑयल, करीब 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, यानी कि हाफ टी स्पून। और यहीं पर हाफ टी स्पून में डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई दाना। तो जीरा और राई दाना कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ता के। तो कड़ी पत्ता भी हम अच्छे से चला लेते हैं, और जब ये थोड़ा सा करारा सा नजर आने लगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। तो अब डाल देते हैं यहाँ पर कटी हुई प्याज। जो ये प्याज है इनको हमने जो है लाइट ब्राउन, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, कहीं कहीं सुनहरा सा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने चेंज कर लेना है। और इसे कर देंगे मिक्स, चलाते चलाते ही मैंने ब्राउन किया है। और यहीं पर हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो 3 टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया था, और छोटे साइज के टमाटर थे, इन्हें हम मिक्स करेंगे। और यहीं पर मैं ऐड करूंगी नमक। अब नमक ऐड करने से क्या होगा कि जो टमाटर है वो अपना पानी रिलीज कर देगा। और फ्लेम में इस टाइम कर चुकी हूँ लो, क्योंकि लो फ्लेम पर जो है ना ये काम बहुत अच्छे से होता है। तो मिक्स कर दिया है जिससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और वो अपना काम अच्छे से कर दे। अब यहीं पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो हमने नमक डाला है इसके पानी से, अब ये होगा कि सूखे मसाले जब मैं ऐड करूंगी तो वो जलेंगे नहीं, फ्लेम मैंने पहले ही लो करी हुई है तो वो वैसे भी नहीं जलेंगे, और टमाटर का जो पानी है वो और भी जलने नहीं देगा। तो ये देख सकते हैं हल्दी पाउडर मैंने डाला है और वो जला नहीं, इसे तुरंत ही मैंने मिक्स भी कर दिया। यहीं पर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मेरे लिए तो 1 चम्मच काफी था। तो इसको अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी। ये देखिए 1 से 2 मिनट हल्का हल्का जब ये मसाला भुन जाएगा फिर हम पानी डाल के इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। तो डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए अब बिल्कुल 1 घूंट मैंने पानी करीब डाला होगा और इसे अच्छे से किया है मिक्स। और जब ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, और उबले हुए आलू के बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे उबली हुई। उबला हुआ आलू डालने के बाद हम इसे करीब 2 मिनट पकाएंगे जिससे कि उससे गाढ़ापन एक टेक्सचर आ जाए। तो सब्जियां और आलू हम डाल चुके हैं यहाँ पर, और ये देखिए हमने कर दिया है मिक्स। अभी हमें इसको कुछ देर पक लेने देना है, और फिर मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड करूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मजेदार सी सब्जी तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने इस स्टेज पर चेक कर लेना है नमक,
और मिर्च, अगर आपको और मिर्च चाहिए तो आप हरी मिर्च काट के बेशक डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे और हरी मिर्च बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती है। तो बस अब मैं यहाँ पर पनीर ऐड कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि आलू का जो स्टार्च है ना वो इस जो रस, इसका जो रस है, जो इसका शोरबा है, उसे थोड़ा सा एक टेक्सचर दे रहा है, एक गाढ़ापन है, लेकिन बहुत मज़ेदार सा गाढ़ापन है। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे जो कि एक जादुई इंग्रेडिएंट्स है। तो भाई यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है जिससे कि एक अच्छा सा जो है शोरबा तैयार हो जाए, और मिक्स कर देते हैं इसको। अब मैं यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी ना वो इसके टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे। दो इंग्रेडिएंट हैं तो मैं इसे मिक्स करने के बाद डालूंगी। पहला इंग्रेडिएंट अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या डालना है जो कि इसका टेस्ट को एकदम अलग कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पाव भाजी मसाला इस्तेमाल किया है, लेकिन बिल्कुल फिक्र ना करें, ये पाव भाजी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आने वाला जो हमने राई दाना और जीरा और कड़ी पत्ता डाला है। और अगला जो इंग्रेडिएंट डालेंगे ना उससे ना पाव भाजी से तो बिल्कुल इसका टेस्ट अलग हो जाना है। और हाँ, अगर आपको पाव भाजी मसाला या पाव भाजी बनाना सीखना है तो मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लिया करें और आपको सारी ही रेसिपी बड़े आराम से मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। तो ये देखिए अभी हमने इसे कुछ देर पकाना है, करीब 2 से 3 मिनट या समझे कि 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और जब ये तैयार हो जाएगी, ये देखिए अब मैंने फ्लेम बंद कर चुकी हूँ, और अब मैं ये जब सब्जी तैयार हो चुकी है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को एकदम ही चेंज कर देगा। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का रस, तो करीब 1 नींबू का रस मैंने ऐड किया है। बीज वगैरह आप अच्छे से निकाल दें और अब हम इसे कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, जब पूरा 1 नींबू इस सब्जी में मैंने ऐड किया है। और अब हम इस गर्मा गर्म सब्जी को करते हैं सर्व। मज़ेदार और तीखी तीखी चटपटी सी ये सब्जी तैयार है। तो लीजिए जनाब, तैयार है गर्मा गर्म और मजेदार सी सब्जी, सर्व करिए इसे रोटी के साथ। और जाते जाते इस सीजन की सब्जियों को आप इस तरह से जरूर बना के देखें, आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत और जल्दी से मिल जाए। तो इंशाल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे अगली वीडियो में और अगली रेसिपी में। तो दुआओं में बहुत बहुत याद रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।